क्या बोलते सब लोग, भाई का नाम है चार्ली और भाई का नाम है टीनू और आप देख रहे हो टीनू। तो यहाँ से अभी कार की ट्रेन जो है वो डिसाइड नहीं किया है, जल्दी डिस्पैच करते हैं ट्रेन पकड़ते हैं, फिर तुमको दिखा दें पूरा सफर दो काम। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेट्रो स्टेशन पूरा खाली है, लॉकडाउन का इफेक्ट है यहाँ पे और ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके पहले जो ट्रायल चालू थे करीबन 7-8 महीने पहले या 1 साल हो गया शायद ट्रायल चालू होने को, तब काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं है। सो लॉकडाउन का इफेक्ट है, बट फिर भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी ट्रेन कहाँ तक जाती है, कितने टिकट से कितने पैसे लगते हैं और कितने स्टेशन है, सब आपको पता चलेगा। तो स्टे ट्यून रहिए, व्लॉग पूरा देखिए, मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खापरी और खापरी के लिए रूट शायद चेंज हो गया क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो दूसरी जगह से थे, अभी दूसरी जगह है। और तो एक डाउट था हमको कि दो रूट चालू हो गए शायद, लेकिन नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ही रूट चालू है, खापरी टू बर्डी स्टेशन वाला। तो हमारे हाथ से गलती हो गई, तो हमने रिटर्न टिकट नहीं निकाला है, सिर्फ जाने का टिकट निकाला है। सो वहाँ से आते समय फिर से एक टिकट निकालना पड़ेगा, तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और तुम लोग देख सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से मेट्रो स्टेशन पे कोई भी नहीं है, एम्प्टी स्टेशन है। तो जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे हम लोग, ऐसा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनेगा ये वाला। इसके पहले भी हमने मेट्रो पे एक व्लॉग बनाया है, तो वो व्लॉग आप बिल्कुल जाके देखिए क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक भी थी और ट्रायल चालू थे, अभी भी ट्रायल ही चालू है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों में, तो उस टाइम पे अच्छा व्लॉग बना था, लेकिन व्यूज़ नहीं आए। तो ज़रा जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगी, तो उसको भी ज़रा चेक मारो। तो अभी खापरी जाने के लिए ट्रेन आ रही है 0 माइल से, तो 0 माइल स्टेशन चालू है, वहाँ से भी बैठ सकते हो, एक बर्डी स्टेशन है वहाँ से भी बैठ सकते हो। और खापरी तक जितने रूट है तो वहाँ के पूरे स्टेशन चालू है, मतलब एक रूट चालू है फिलहाल। तो कहीं जाना है तो मत आओ, अगर आपको एंजॉय करना है, मतलब मेट्रो की जर्नी कैसे होती है या आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो और आके बिल्कुल आप देख लीजिए कि कैसा आपको फील होता है। हमको तो अच्छा ही फील हो रहा है, इसके पहले भी आए थे तब भी अच्छा फील हुआ था। और ये वीडियो हम बना रहे स्पेशली क्योंकि नागपुर मेट्रो के इंस्टाग्राम पेज पे हमको एक ऐड दिखी है कंपटीशन के लिए, तो ब्लॉगर है भाई, पिछले 3 साल से ब्लॉग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अपना इनपुट दिया जाए नागपुर मेट्रो के लिए। और पिछले वीडियो में भी मैं काफ़ी बोला था कि मेट्रो क्लीन रखनी चाहिए, और नागपुर के लोग आपको पता है खर्रा गुटखा तम्बाकू वाले लोग हैं, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मेट्रो बन रही है तो नागपुर का नाम हो रहा है, मेट्रो सिटी कहलाएंगे हम, पर मेट्रो सिटी में आप अगर गंदगी करोगे तो फिर मेट्रो सिटी का कचरा सिटी हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। तो ये हमको लगता है, हमारे व्यूज़ है, तो हमारा ओपिनियन आपकी सच्चाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर ओपिनियन अच्छा है तो आपने फॉलो करना चाहिए। सही बात है टीनू भाई, बरोबर बहुत। तो वेट करते हैं ट्रेन का, कुछ ही क्षणों में आ रही क्या है, आ चुकी है, ज़रा देख लो सिनेमैटिक। We'll be right back.
पहला स्टेशन रहाटी कॉलोनी बिल्कुल पास में, तो बहुत पास पास के स्टेशन लेना चालू है। लास्ट टाइम नहीं रुकी थी रहाटी कॉलोनी में, इस टाइम रुक रही है। तो फर्स्ट स्टेशन नोट कर लो रहाटी कॉलोनी, उसके बाद के स्टेशन बताते जाएंगे जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेंगे। अभी चल रही है एज यू कैन सी, और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। फुल एसी कोच है बिल्कुल, और तीनों भाई एंजॉय। स्टेशन आ रहा है अजनी, सो फर्स्ट रहाटी कॉलोनी, सेकंड अजनी स्टेशन, नोट करके रखो। यूपीएससी एमपीएससी में आएगा क्वेश्चन। एयरपोर्ट के बाद आया एयरपोर्ट साउथ स्टेशन, और अभी आ रहा है एयरपोर्ट न्यू। वैसे एयरपोर्ट के तीन स्टेशन मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होने का। पहला एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट साउथ, और तीसरा न्यू एयरपोर्ट, एक के बाद एक लग के। सो जाना तो एक ही एयरपोर्ट पे है ना भाई, काय को टेंशन दे रहे हो। हम ये सोच रहे थे कि मेट्रो में आएंगे तो लोगों का फीडबैक लेंगे, लेकिन फीडबैक के लिए लोग ही नहीं है, सिर्फ दो लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमको न्यू एयरपोर्ट स्टेशन इतना पसंद आया कि हम उतर ही गए। एक मेट्रो की कमी बोल सकते हैं अपन, कि जब डोर ओपन होते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रहते, एक मिनट भी नहीं रहते, कुछ सेकंड्स के अंदर बंद हो जाते हैं, तो ये एक कमी है। तो हम उतर गए लेकिन चढ़ नहीं पाए, तो ये ड्रॉबैक हो गया हमारे साथ। तो अभी हम न्यू एयरपोर्ट स्टेशन जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमारे स्टेशन की गिनती रुक चुकी है, कि हमने जितने स्टेशन आपको गिना है न्यू एयरपोर्ट तक उतने याद रखो। कोशिश करेंगे कि फिर से हम आगे जाएं और आगे के स्टेशन आपको बताएं, लेकिन तब तक एंजॉय करो यहाँ का सीन। क्या है ये, कोई भी नहीं है, ओनली योर ब्रदर्स हियर ब्रो। तो अभी हम हैं न्यू एयरपोर्ट स्टेशन में, तो हम यहाँ पे उतरे थे कुछ सिनेमैटिक लिए, फिर बाद में एक बंदा आया हमसे बोलने लगा एग्ज़िट करना है या नहीं करना है, तो हम एग्ज़िट किए। तो हम स्टेशन के बाहर हैं अभी, अभी फिर से टिकट लेके हमें बड़ी स्टेशन के लिए जाना है, फिर वहाँ जाएंगे। तब तक कुछ देख लेते यहाँ पर कैसा कुछ है, पर सफाई बहुत है भैया, और पर कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पर हम दोनों के अलावा। और अच्छी जगह ये, पूरा खुला खुला है, माहौल अच्छा है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं, और स्टेशन तो अच्छा ही है। जब आप किसी स्टेशन में एंटर करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल पीपल है, मतलब वहाँ का जो स्टाफ है वो आपको मतलब अच्छे से गाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उनके पास जा सकते हैं। मतलब फ़िलहाल जितना हमने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी हेल्पफुल नेचर है उनका, और बहुत अच्छे से बताते हैं हर चीज़। तो अभी हम जब उतरे न्यू एयरपोर्ट स्टेशन पे, तो एक स्टाफ में से कोई आया हमसे पूछने लगा, उनको लगा कि क्या कर रहे क्या नहीं, तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो शूटिंग के लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस बोल रहे थे कि आपको कहाँ जाना है क्या करना है ऐसा वैसा। सो अभी हम न्यू एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर, और आप देख सकते हो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना है। मतलब मेट्रो स्टेशन जो बने हैं काफ़ी रॉयल बने, मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो
यहाँ पे जो फोटोशूट वीडियो शूट वाले बंदे हैं भाई, कर सकते हो तुम बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन परमिशन लेना ज़रूरी है शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता करने देंगे शूट वगैरह, लेकिन शूट करने के लिए जगह काफ़ी अच्छी है। और बस यही है, तो हमने सोचा था कि खापरी जाएंगे, बट अभी स्टेशन की गिनती यही पे रोकते हैं, और यहाँ से भी रिटर्न जाते हैं बर्डी स्टेशन। वैसे लास्ट स्टेशन खापरी ही है, इसके पहले बस न्यूज रिपोर्ट है, देख लो बस, तुम आके एक बार एंजॉय करो। हमारी जर्नी थी मेट्रो की, वो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे दे दिए। और एक बात है, जो अपनी टिकट है उनको लगेगा कि ये स्कैनर स्कैन करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नई टिकट मतलब जहाँ तक वैलिड है वहाँ तक ही स्कैन होगा है, अगर तुम पुरानी टिकट स्कैन करोगे तो स्कैन नहीं होगा, फंस जाओगे, तो ऐसा मत करना। हमने ट्राई करके देख लिया, नहीं होता है, इसलिए बता। और बाकी तुम आके देख लो, राइड ले लो और पीस आउट, फिर मिलते, बाय, टाटा।